सभी लोगों को ईद मुबारक। आज है ईद का पहला दिन। लोगों में चांद रात वाला ब्लॉग नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो आप लोगों में मेहनती, उससे मैं आपको दिख जाएगी कि कैसी लगी, कहाँ पे जाके लगी और कैसी लग रही है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडियो, मुझे बज रहे हैं 1:25 समझो, तो मैं फटाफट से रेडियो जाती हूँ एंड देन आई विल मीट यू गाइज। आउटफिट मैं आप लोगों को अपना दिखा देती हूँ, बहुत ही प्रेटी है। सो गाइज ये मेरा आउटफिट देख सकते हो आप लोग, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लू टाइल ब्लू, इसके नीचे झुनझुने से भी लगे हुए हैं एंड ये पूरी अनारकली है जो कि बहुत अच्छी लगेगी। है इसका प्यारा सा दुपट्टा एंड ये है इसकी पैंट, देख सकते हो आप लोग इसके पैंट में वाली लेस लगी हुई गोल्डन कलर की। और यहाँ पे हम लोग कुछ देख रहे हैं अरमान मलिक भी एक यूट्यूबर है, तुम्हारा भी एक यूट्यूबर है, तो यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो और हम इस ब्लॉग को जल्द से कंटिन्यू करते हैं जब तक मैं इंस्टाग्राम पे एक ट्रांजिशन रील बना के आती हूँ। मेकअप आप लोग बताओ, आप लोग कैसे लग रहा है, लेट मी शो यू माय होल आउटफिट। तो गाइस इस में आउटफिट केएस का दुपट्टा और इनका आप लोग कैसे लगा, मुझे भाई बहुत अच्छा लगा एंड मैं आपको मिलती हूँ, मैं एक टेंशन ले तो आप लोग को वहाँ पर मिलती हूँ एंड आई विल मीट यू गाइस दिस टाइम। फुटवेयर्स तो फटाफट से उनको पहनेंगे, हम लोग चलते हैं अपने लोकेशन पे। हाय गाइस, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तो ये लोग भी बड़े पुराने यूट्यूबर रह चुके हैं बट इन लोगों ने अपना चैनल डिलीट कर दिया था, अब उसका पर एक भी वीडियो नहीं है। गाइस वो थोड़ी छपरी वाली वीडियो तो हमने डिलीट कर दिया। मैं इतनी देर तक नहीं पढ़ पाया, छोटी पढ़ दी कैसे यार, जब प्रिंसिपल बाद मिलो एंड बातचीत करने में बहुत टाइम होता है। वैसे आ चुकी हूँ अपने घर तक, चल चुकी हूँ। एक्चुअली ना क्या हुआ, जब आप लोग कहीं जाओ इतने दिनों बाद ना, तो इतनी बात होती कि ना शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता यार, इतना ज़्यादा मज़ा आया। इतनी सारी बातें कि उसके एक और बेस्ट फ्रेंड आई थी गौरी, उनसे भी मिलकर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, शी वॉज सो स्वीट एंड यार इधर ही मुझे 100 रुपये अंकल ने दिया, मैंने मना करा बट अंकल ने तब भी दी मुझे भी और गौरी को भी। तो अभी हम लोग जाएंगे नानी के यहाँ या कहीं और, तो इस ब्लॉग का कंटिन्यू करते हैं, जल्द से मैं ऊपर जाती हूँ फिर मैं भी वीडियो है थोड़ी देर बाद। तो मैं आप लोग बताती हूँ कि मैं घर पर आ चुकी थी, मैंने दोबारा शावर ले लिया क्योंकि ना मुझे मन था शावर लेने का, देखो मेरे बाल गीले हो गए दोबारा से। मुझे 50 रुपये दिए और मिली, मेरे नाना आए थे तो उन्होंने मेरे को दिए, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो भी कैमरा शाय हैं, उनको भी मैं कैमरा में नहीं ले सकती थी इस वजह से। बोलिए हम लोग दोबारा रेडी होके जा रही हूँ, अब की बार मैं नानी के यहाँ, तो नानी के तो मेरे बहुत सारे कज़न्स भी आने वाले हैं, क्या वो बिजान क्यों हंस रही हैं, वहाँ पर जाके हम लोग और मस्ती करेंगे, शायद कहीं जाए भी तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना। कह रहे हैं मैं स्ट्रेटनर तो है नहीं, तो मैंने कैच बार लगाया, मेरी मम्मा का था इसके अंदर, मैंने ये वाला ब्रश ज्वाइन किया, मैंने इसी से अपने बालों को थोड़ा सा बाउंसी बना लिया, जिसमें बाल थोड़े स्ट्रेट भी हो गए, थोड़े फ्री भी हो गए, बहुत अच्छे से भी लग रहे हैं। अब मेरी कज़न का फोन आया था, मतलब मेरे कैमरा मैन का, मेरी सिस्टर आलिया था, पूछी थी यार कब आओगे, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर में आ रही, मेरे को अपने फ्रेंड के यहाँ से उसका जाना था, बट मैं सोचा कि यार पहन लूँ तो थक गई हैं तो थोड़ी देर चल जाऊँगी, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में बस जा रहे हैं उसके यहाँ रेडी नानी के जाने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं, मैंने अपने सब हील्स वगैरह पहन लिए एंड आज मैं अपना ट्राईपॉड और रिंग लाइट लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे फोटोशूट्स करने हैं, सो लेट्स गो। गाइस मैं आ चुकी हूँ एंड मैंने आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा दिया था, बट मैं एक और बार दिखाना चाहूँगी एंड मेरा मेकअप लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है सिर्फ आईज का, बाकी तो ऑल ऑफ द थिंग्स ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम। ओके तो मैं आलिया को आ चुकी हूँ, यार आलिया तो अपना फेस रिवील कब करेगी, मेरे 300 सब्सक्राइबर भी हिट हो गए, पता कब करेगी अभी पता नहीं, मैं कैमरा शाय हूँ, कैमरा कॉन्शियस। आई नो कोई बात नहीं, मतलब बहुत जल्द खुश करूँ कि मैं इसका फेस रिवील कर दूँ एंड दैट्स इट। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे आने वाले ब्लॉग पे कैसे आने वाले हैं, तो मैं शायद उनका फेस दिखा दूँ यार, मुझे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा यार कोई तो मेरे ब्लॉग पर सिर्फ मेरी ही शक्ल दिखती है। बाय द वे अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े बहुत फोटोशूट कर लेते हैं सो दैट हमारे भी यार इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह लग जाए, करना करना। गाइज दिस इज माई होल आउटफिट, आज का ना ज़्यादा ये चल रहा है अनारकली टाइप का, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये ना, मतलब हर किसी ने ऐसे पहन रखा है, यहाँ थोड़ा बहुत फोटोशूट कर रहा है, पूरा ट्राइपॉड और ये सब दिख जाएगा यहाँ पे, मैं कैमरा में बैठा हूँ। तो ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं बट स्टिल मेरे कजन नहीं आए, 9 बजने वाले हैं मुझे क्यों नहीं आए यार, बड़े धोखेबाज हैं यार, बड़े धोखेबाज, मैंने कॉल करा कि ना रास्ते में इतनी दूर तक का रास्ता तो है नहीं, जो इतनी देर लगे मैं इनको दोबारा कॉल करती हूँ या इनको कॉल करती हूँ एंड देन इनको सुना देती हूँ, इनको बुलाते दिन मैं आप लोगों को मुझे पता से, मतलब मैं नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा नानी के
खाया। हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं पर कोई नहीं। चलो मैंने कुरतुरा खिला दिया 10 रुपए का तुरतुरा। बिरयानी एंड कोरमा एंड मेरे और भी कंस थे बट वो कैमरे के सामने नहीं आया, सॉरी गाइस। बट यस हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं आपको मिलूंगी डे 2 ऑफ 8 में। जब तक आप देखने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो। एंड दिस दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस सो मच।